आज मुझे ये बताओ, बॉलीवुड में कौन से सेलिब्रिटी को हेडलाइंस में रहना बखूबी आता है? Well, देखा जाए नंदनी, तो मलिका शेरावत वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि वो जो भी कहती हैं अपनी ओर ध्यान खींच ही लेती हैं। हाँ, लेकिन अगर मलिका है द हेडलाइन क्वीन, तो कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत उनसे किसी मामले में कम नहीं। चाहे उनकी बेबाक बयानबाजी हो या फिर उनकी हरकतें, वो सुर्खियों बटोरने में हमेशा कामयाब होती हैं। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया? डोंट टेल मी अनदर आइटम नंबर। नहीं, फार फ्रॉम इट। एक रीसेंट अवार्ड सेरेमनी में उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए। आर यू सीरियस? व्हाट्स रॉन्ग विद आवर राखी? शायद अब राखी अपनी इमेज चेंज करने में लगी हैं, एक पेट्रियोटिक अवतार में नजर आकर। कॉन्ट्रोवर्सीज तो जैसे राखी सावंत की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। वो सवाल करे तो कॉन्ट्रोवर्सी, वो जवाब दे तो कॉन्ट्रोवर्सी। मगर इतने विवादों के बाद भी राखी नहीं बदली। कुछ बदला है तो उनके लिए लोगों का नजरिया, जिसकी मिसाल है 11वां एनुअल राजीव गांधी अवार्ड फंक्शन, जहां राखी को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। वैसे तो अवार्ड फंक्शंस में बॉलीवुड की हस्तियों का शामिल होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन राखी के मामले में ये बात इसीलिए खास है क्योंकि ये गवर्नमेंट का फंक्शन था और कुछ साल पहले शोलापुर में उनके प्रोग्राम पर गवर्नमेंट ने ही पाबंदी लगाई थी। लेकिन अब राजीव गांधी अवार्ड फंक्शन की शुरुआत ही राखी के परफॉर्मेंस से हुई। इस फंक्शन में फिल्मी जगत की हस्तियों के अलावा चीफ मिनिस्टर श्री विलास राव देशमुख समेत सियासत के कई दिग्गज शामिल हुए। हालांकि राखी इस बार कोई आइटम सॉन्ग नहीं कर रही थी, बल्कि वो लगा रही थी वंदे मातरम के नारे। जिन लोगों ने मुझे बैन किया था, आज मैं उन्हीं के सामने परफॉर्म कर रही हूँ। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट। फर्स्ट ओपनिंग जो है मैंने किया, मेरे परफॉर्मेंस से हुआ। मैंने देश के गानों के ऊपर मैंने सारा परफॉर्मेंस दिया है। मैंने पहली बार मैंने किसी पॉलिटिशियन के सामने शो किया है। वाकई राखी सावंत की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि अपने करियर के इनिशियल स्टेज में उन्हें कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा। कभी मिका के साथ किस कंट्रोवर्सी, तो कभी छोटे कपड़ों को लेकर वो निशाने पर रही। यही नहीं, सिलिकॉन के सवालों से भी राखी को काफी वक्त तक घेरे रखा। लेकिन अब राखी ने इंडस्ट्री में अपने लिए जगह बना ली है। इतने फैंस है, इसीलिए तो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। वरना राखी सावंत को यहाँ तक राजीव गांधी अवार्ड तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। राखी सावंत ने फिर अपनी जीत के स्लोगन दोहरा कर साबित कर दिया कि मुश्किलों से पीछे ना हटकर वो उनका सामना करेगी। मतलब राखी बोले तो एकदम बिंदास। मेघना जोशी, जूम, मुंबई।